वेलकम बैक, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उनको भी एक बार से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहां पर निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास चल रही है और जो हमारा ऑल टाइम हाई था उससे अगर इसकी करंट प्राइस से अगर दूरी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है ऑल टाइम हाई से, ये सिर्फ और सिर्फ 1.49% ही दूर है, 1.5% दूर है। तो ऐसे में जब बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड स्पेशली आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी मीन्स लॉन्ग अपसाइड, जब ये पेंडेमिक के बाद से यहां से उठना शुरू हुआ, तो यहां पर ये क्या पैटर्न है मेरे हिसाब से जो सब कुछ नजर आ रहा है ना, ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और यहां से निफ्टी ऊपर सीधी सीधी जाती हुई नजर आती है। यहां पर दो वीडियोस की मैं एक बार रेफरेंस दूंगा, यहां पर उनमें से एक वीडियो है जब हमने बात की थी कि निफ्टी का जो टारगेट है वो 18,000 है, 18,000 का ये निफ्टी का टारगेट एक इंपॉर्टेंट टारगेट था जो हमने एक बार पहले एनालाइज किया था मार्च 2017 की, ये मैं बात कर रहा हूं मार्च 2017 में ये एक निफ्टी का टारगेट था, नवंबर 17, 2020 की बात है, नवंबर 17, 2020 में अगर हम एक बार यहां पर देख लें नवंबर 17, 2020, सो दिस इज दैट डेट, यहां पर हमने इसको एनालाइज किया था, इस लेवल से हमने इसको एनालाइज किया था 12,856 उस टाइम पर प्राइस था, वहां से एक रैली लेकर कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो अपना ये टारगेट था कि ईयर एंड तक, ईयर एंड मींस 2021 के एंड तक ये निफ्टी यहां पर 18,000 के आसपास चली जाएगी और जिस तरीके से पूरा निफ्टी की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से लगता भी है, क्योंकि हमने एक और वीडियो बनाई थी जस्ट वन वीक बैक मई 10, 2021 को और आज ये टू वीक पहले वीडियो बनी थी, तो अभी 24th में है, टू वीक पहले निफ्टी कहां पर थी अगर हम 10th को देखें तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहां पर 10th मई 2021 यहां पर ये वीडियो हमारी बनी थी और वो लेवल कौन सा था, वो लेवल ये वाला था। और यहां पर क्यों बनाई थी, यहां पर हमने इसलिए बनाई थी कि यहां पर एक कप विद हैंडल सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न छोटा सा नजर आया था, ये उतना छोटा भी नहीं है, अगर हम इसको जूम इन करें तो यहां से लेकर यहां तक की जो अपनी दूरी थी, जो नेक लाइन तक का गैप था, वो गैप यहां से यहां तक इस तरीके से नजर आता है और जो हमारा टारगेट नजर आता था वो ये आता था। लेकिन अब जो टारगेट है वो लाइफटाइम हाई से ऊपर है, जब भी लाइफटाइम हाई से ऊपर टारगेट होना तो ऐसे में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेदर इट विल टेक ए पॉज हियर और इट विल जस्ट डायरेक्टली क्रॉस दिस लाइन विच इज द लाइफटाइम हाई लाइन। सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देखकर बात समझ में नहीं आएगी, ये जरूर हो सकता है क्योंकि यहां पर जो पैटर्न बना था ध्यान से समझने की जरूरत है इन चीजों को, अगर ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट को समझना है। सो दिस वाज द शोल्डर एंड दिस वाज द हेड एंड दिस वाज द राइट शोल्डर और उसके बाद में एक छोटा सा और शोल्डर दोबारा से बना, तो इस तरीके से इसने पूरी मूवमेंट ली थी और पूरी मूवमेंट लेकर यहां पर टारगेट बनता था 15,637। मैंने जब यहां पर एनालाइज किया था तो यहां पर था, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आके वापस से एक राउंडिंग बनाकर एक और शोल्डर बनाकर ये ऊपर गया, इसको कॉम्प्लेक्स रिवर्स शोल्डर पैटर्न कहते हैं जहां पर बहुत सारे शोल्डर्स होते हैं, मैं काफी बार इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर एक जो पॉइंट मुझे नजर आता है लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने से पहले, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पर है विच इज दिस वन, जहां पर ये आज बंद हुआ है, डोजी बनी है, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस कैसे नजर आता है, अगर मैं लाइफ टाइम हाई की लाइन को यहां से हटा दूं और इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर टू हैव अ लुक एट इज दिस इज अ रिवर्स मींस अ लेफ्ट शोल्डर एंड दिस कंप्लीट विल बी टर्म्ड एज द हेड और हो सकता है कि यहां से एक राइट शोल्डर बने और उसके बाद ये यहां से ऊपर जाए, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इस चीज के चांसेस कितने हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल को आसान करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहां पर बैंक निफ्टी की भी सपोर्ट लेनी है कि बैंक निफ्टी क्या कहती है। अब बैंक निफ्टी का जब हम एक बार टारगेट यहां पर सॉरी चार्ट ओपन करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक साफ साफ यहां से तेजी नजर आती है और ये अच्छी खासी तेजी नजर आती है और वो तेजी क्यों नजर आती है कि यहां पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं, इसको कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट वाला शोल्डर है वो काफी छोटा
बड़ा है और यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल ऑफ दिस कप, और यहां से जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो आता है इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ होती है उसको हम पिक कर लें, इसको पिक करके हम ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद में हम यहां पर इसका टारगेट सेट करेंगे और ये टारगेट एक्चुअल में पूरा लाइफ टाइम हाई पर ही नजर आता है। तो जब यहां पर निफ्टी इज ऑलरेडी रीचिंग एट लाइफ टाइम हाई बट बैंक निफ्टी हैज जस्ट स्टार्टेड एंड ब्रोकन आउट ऑफ दिस कप विद हैंडल पैटर्न, तो यहां पर यहां से यहां तक की जो तेजी है ये कोई छोटी परसेंटेज नहीं है, ये ठीक ठाक परसेंटेज है। यहां पर 7.34% की यहां पर ये परसेंटेज गेन, यहां से अपसाइड पोटेंशियल है, और जब ये यहां से अगर 7.34% ऊपर जाता है तो निफ्टी के केस में क्या होगा, निफ्टी इट मींस यहां पर पॉज नहीं लेगी और निफ्टी यहां से सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगी इस टारगेट के लिए। लेकिन जो एक चांसेस हैं जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है, बहुत बार क्या होता है कि कप विद हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट देने के बाद में कई बार वापस से सेम नेकलाइन पर रिटेस्ट करने के लिए चीजें आती हैं और फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ ऐसे निकलती हैं। तो यहां पर दोनों चांसेस हैं कि यहां पर एक बार बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां से आ सकती है, नीचे आने के बाद में रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकती है, और अगर सीधी गई, अगर यहां पर बैंक निफ्टी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, निफ्टी की मूवमेंट आज की सिचुएशन में बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बैंक निफ्टी यहां से सीधी ऊपर होकर जाती है बिना किसी रुकावट के, सीधा यहां से सीधी ऊपर चली जाती है, तो रिजल्ट निकलेगा ऑलमोस्ट यहां पर सीधा सीधा कि यहां से निफ्टी भी सीधी ऊपर चली जाएगी विदाउट टेकिंग ए यू टर्न एंड विदाउट मेकिंग ए राइट शोल्डर, सीधा ऊपर निकल जाएगी। और अगर यहां पर ये बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा यू टर्न लेकर जाती है, अगर यहां से बैंक निफ्टी नीचे से यू टर्न लेकर जाती है तो यहां पर निफ्टी में भी यहां से यू टर्न आ जाएगा। लेकिन दोनों ही सिनेरियो में इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ फ्यू डेज, यहां से जो सीधा सीधा पैटर्न बनता है वो बहुत ऊपर बनता है। अच्छी बात पता है क्या होगी, अगर निफ्टी यहां से थोड़ा सा पोज ले लेती है, सपोज यहां से थोड़ा सा यू टर्न लेकर तब ऊपर जाती है, तो यहां पर एक अच्छी बात क्या निकल के आएगी, जो पहले रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसका जो टारगेट था वो छोटा था, फिर अब इस केस में जो ये डेप्थ है ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद में यहां पर जो टारगेट निकल कर आएगा निफ्टी का वो और ऊपर आ जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट होता हुआ नजर आता है। तो अगर यहां पर अब बात समझने की जरूरत है, अगर निफ्टी यहां से सीधी जाती है तो पहले यहां पर टारगेट आएगा 15,637 का, और अगर यहां से घूमकर ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट और बड़ा हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में विन-विन सिचुएशन है, दोनों ही सिनेरियो में विन-विन सिचुएशन है यहां पर। और यहां पर जब मैं बैंक निफ्टी को लेकर इतना यहां पर मेरा जो मानना है कि यहां से अच्छी खासी ऊपर तेजी है, इसको सपोर्ट करने के लिए अगर हम देखें, सो आईसीआईसी बैंक के अगर चार्ट पैटर्न को देखें तो आईसीआईसी बैंक का यहां पर एक ब्यूटीफुल अगेन कप विद हैंडल पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, व्हाट एवर यू कॉल इट, यू कैन, तो यहां से अगर हम देखें इसकी डेप्थ को और इसकी डेप्थ को हम यहां से ऊपर प्लेस करें तो यहां से अच्छी खासी तेजी है और यहां से ब्रेकआउट भी आ चुका है। 15.69% का अपसाइड था यहां पर नेक लाइन से लेकर, लेकिन करंट प्राइस से अगर देखें तो 12% के आसपास तो अभी भी आना चाहिए, दिस इज 12.43% का यहां से अपसाइड है। सेम ही अगर हम एचडीएफसी बैंक में देखें, अगेन दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिसकी वेटेज अच्छी खासी है, तो इसने यहां पर क्या किया है, इसने भी यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है। आप अगर इसको देखोगे और यहां पर इसने ये कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है, ये कप था, ये छोटा सा हैंडल था, और ये चीजें एक्चुअल में लगातार यहां पर इस तरीके से काम करती हैं। और मैं यहां पर अगर इसकी डेप्थ को ले लूं, पिक कर लूं एक बार, तो हमें इसका भी छोटा सा आइडिया लगेगा कि ये कहां तक ऊपर जा सकता है। तो 7% का अपसाइड नेक लाइन से यहां पर भी था, और अगर टोटल से देखें तो 5% के आसपास का यहां से भी है। तो और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो यहां से ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है। एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड में भी यहां से तेजी है, क्योंकि जो अपसाइड है वो बहुत ऊपर है, जो ऑल टाइम हाई है, अगर हम ऑल टाइम हाई की बात यहां से करें तो ये अच्छी खासी 12-13% की अपसाइड है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी खासी तेजी नजर आती है, क्योंकि वो भी एक कंसोलिडेशन के बाद यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये सारे ही बैंक चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहां से 13-15% जब इंडिविजुअल स्टॉक्स में लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यहां से अपसाइड है, तो बैंक निफ्टी में जो यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ है ये एक्चुअल में फर्स्ट इंडिकेशन है दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नाउ फॉर 10-12%,
सो वी कैन एक्चुअल में जितना एफडी में पैसा दो साल में आता है ना उतना 15-20 दिन में यहां पर नजर आता है। लेकिन जब मैं इतनी बातें करता हूं तो यहां पर मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से चार्ट को एनालाइज करते हैं। मेरी यहां पर किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सारे डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें बुलिश है। मैक्सिमम क्या हो सकता है निफ्टी के केस में कि यहां से थोड़ा सा पोज ले, नीचे की तरफ आए, ऊपर जाए। अगर यहां से ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर नया बनता है तो हमारा टारगेट और बड़ा हो जाएगा, और अगर टारगेट यहां से बड़ा होता है तो करंट प्राइस से लेकर टारगेट तक की जो मूवमेंट है वो हमारी हो जाएगी ऑलमोस्ट 8%, 7.85%। और अगर यहां से सीधा चला जाता है तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 15,637। तो दोनों ही सिचुएशन में यहां पर विन विन सिचुएशन है। ऐसे में क्या देखना होता है, जहां पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं ना, जब मार्केट ओवरऑल सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और फास्ट जाने की यहां पर ज्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल मार्केट को हमेशा ध्यान में रखते रहना चाहिए। यहां पर मुझे यहां से जो 18,000 का सफर है वो कंटिन्यूअसली पूरा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब इस तरह का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिडवे में बनता है तो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। और जहां पर इतने सारे केसेस यहां पर कोविड के केसेस में आए भी अभी, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ डेथ्स भी सुनने को मिली, जो अपने नियर एंड डियर वन थे उनके केस में भी बहुत सारे इस तरह के नुकसान सुने कि फैमिली में मेंबर्स चले गए। लेकिन उसके बाद भी जब निफ्टी यहां पर नीचे गिरने को तैयार नहीं थी ना, सो ये क्लियर इंडिकेशंस होते हैं कि यहां से अच्छी खासी तेजी है। लास्ट टाइम जब पेंडेमिक दोबारा गया उसके बाद में इस बार आया, तब तक वैक्सीनेशन नहीं थी, लेकिन अब जाके जब ये दोबारा आने की तैयारी करेगा तब तक काफी मींस मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी होंगी, वैक्सीन लग चुकी होंगी, तो यहां पर चीजें बेटर होती हुई नजर आती है। और मेरे हिसाब से चार्ट से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, देखो इकोनॉमी के फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल से डायरेक्ट कोरिलेट करें ये कभी भी जरूरी नहीं होता। यहां पर जो फंडामेंटल काम करते हैं वो कैश फ्लो के फंडामेंटल काम करते हैं कि कौन से एसेट क्लास में यहां पर हमारा पैसा लगातार आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और जब मैं इस तरह की लाइनें बोलता हूं तो इन लाइनों के नोट्स बनाया करो, मैं हमेशा कहता हूं सीख के करो। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्विटर अकाउंट नंबर है, मींस हैंडल है उसका, आप उसको ट्विटर पे जाके सर्च करके द विवेक सिंघल के नाम से है, तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां भी मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स काफी अपने ट्रेड्स को अपडेट करता रहता हूं कि मैंने क्या खरीदा क्या बेचा, लेकिन वो रिकमेंडेशन नहीं होती, ऑफकोर्स आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में वहां पर एक्टिव रहता हूं। आफ्टर मार्केट आवर्स में यहां पर एनालिसिस के लिए एक्टिव रहता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और मजे करना नहीं बोलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।